السلام علیکم، ہمارے نئے نئے کلام کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے حافظ طاہر قادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ طاہر قادری ابایات تاریک روڈ کی جانب سے بہت زبردست آفر ہے، اس کلام کے آخر میں وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یا رمضان، یا رمضان، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں۔ اللہ کا احسان ہے عطا کیا رمضان ہے، شکر مولا کرتے رہنا مومن کی پہچان ہے، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں۔ جنت کے دروازے کھلتے ہیں ماہ رمضان میں، بخشش کے پروانے بٹتے ہیں ماہ رمضان میں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں ماہ رمضان میں، بخشش کے پروانے بٹتے ہیں ماہ رمضان میں، میں بھی بخشش کا پروانہ پاؤں گا رمضان میں، میں بھی بخشش کا پروانہ پاؤں گا رمضان میں، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں، رمضان 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 پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں، رمضان 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 رمضان، دن میں روزے رکھ کر جو راتوں کو تراوی پڑھتا ہے، مولا اس کے پچھلے سب جرموں کی بخشش کرتا ہے، دن میں روزے رکھ کر جو راتوں کو تراوی پڑھتا ہے، مولا اس کے پچھلے سب جرموں کی بخشش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کرواؤں گا رمضان میں، اپنے گناہوں کی معافی کرواؤں گا رمضان میں، اللہ کا احسان ہے عطا کیا رمضان ہے، شکر مولا کرتے رہنا مومن کی پہچان ہے، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب
जाने या अनजाने में दिल जिसका मैंने तोड़ा है, रूठ के मुझसे जिस भाई ने अपने रुख को मोड़ा है। जाने या अनजाने में दिल जिसका मैंने तोड़ा है, रूठ के मुझसे जिस भाई ने अपने रुख को मोड़ा है। माफी मांग के उन सबको मनाऊंगा रमजान में, माफी मांग के उन सबको मनाऊंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी करूंगा रमजान में। अपनाऊंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। रमजान 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 जो गुर्बत में फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं, देख के हुलिया जिनको सब दीवाना कहते रहते हैं। जो गुर्बत में फटे पुराने कपड़े पहने रहते गए, देख के हुलिया जिनको सब दीवाना कहते रहते गए। नादारों को कपड़ा पहनाऊंगा रमजान में, नादारों को कपड़ा पहनाऊंगा रमजान में। अल्लाह का एहसान है अता किया रमजान है, शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। आखिरी अशरे में जो भी कर लेता है एतिकाफ, दो हज दो उम्रे का मिलता है उसको अजर व सवाब। आखिरी अशरे में जो भी कर लेता है एतिकाफ, दो हज दो उम्रे का मिलता है उसको अजर व सवाब। सारी दुनिया वालों को बतलाऊंगा रमजान में, सारी दुनिया वालों को बतलाऊंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। रमजान 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 रमजान। अल्लाह का एहसान है अता किया रमजान है, शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी मैं हाफिज़ ताहिर कादरी इस वक्त कराची के शॉपिंग हब
तारिक रोड पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर कादरी अबायात का न्यू आउटलेट ओपन हो चुका है बहुत ज़बरदस्त वैरायटी के साथ। और आपने अभी तक तारिक रोड विज़िट नहीं किया तो ज़रूर विज़िट कर लीजिए, क्योंकि हमारी शॉप पे बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, बहुत बेहतरीन ऑफ़र भी है और बहुत खूबसूरत वैरायटी भी है। अभी तक अगर आपने विज़िट नहीं किया तो आप ज़रूर आइए हमारी शॉप पर ताहिर कादरी अबायात पर, बहुत खूबसूरत वैरायटी हज जो उमरा के अहराम भी दस्तियाब हैं और अबाए भी दस्तियाब हैं। तो आइए मैं आपको शॉप विज़िट करवाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको तारिक रोड पर जो ताहिर कादरी अबायात है उसका विज़िट करवाऊँगा शॉप का, तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉप के अंदर मौजूद हैं मेरे साथ हाफिज़ हसन कादरी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये आउटलेट ओपन किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। और बड़ी मज़े की बात है कि हसन भाई जो जो कस्टमर्स यहाँ जब इंटर हो जाते हैं और जब आके वैरायटी देखते हैं और यहाँ का माहौल देखते हैं तो फिर उनको लगता है कि यार हम पहले क्यों नहीं आए यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त वैरायटी के साथ आपकी वैरायटी भी देख रहे हैं इस वक्त, कितनी खूबसूरत वैरायटी आपके सामने आ रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी अपडेट भी होती रहती है और इसमें हर किस्म की हमारे पास जो है ना वो कस्टमर्स के लिए मौजूद है वैरायटी। तो आप ज़रूर एक मरतबा विज़िट कीजिएगा ताहिर कादरी अबायात तारिक रोड पे, एक मरतबा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। एहसन भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वो आइडिया करवा दें कि हज जो उम्र के हवाले से भी आपके पास वो कौन सी वैरायटी है कि जो आप बताना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगा कि कस्टमर्स हमें जो है काफ़ी सालों से काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि आप लोग तारिक रोड पर क्यों शॉप नहीं ओपन कर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह तारिक रोड पर हम ओपन हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेन तारिक रोड पर आप इसकी लोकेशन है जो PMC सेंटर है उसकी शॉप नंबर 1 है और ये अपोजिट टू शालीमार सेंटर। अच्छा मैं यहाँ बताऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेशली हज उमरे के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अबाए हैं, प्लेन अबाया, इसमें मैक्सी भी है, फ्रंट ओपन भी है और बड़ी दामन बड़े घेर के साथ जो हमारा अबाए हैं स्पेशली वो है। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑफ़र भी लेके आ रहे हैं स्पेशल रमज़ान ऑफ़र का, हमारा जो 3500 का अबाया है वो स्पेशल हम लोग हज उमरे के हवाले से इस पर ऑफ़र चल रही है हमारी, हम 2500 में सेल कर रहे हैं। तो आप ये आपसे ये ऑफ़र मिस ना हो जाए, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। ताहिर कादरी अबाया पर जो आपका एतमाद और भरोसा है वो इंशाल्लाह टूटने नहीं देंगे।